हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं वर्षा कुलश्रेष्ठ आज मैं आप लोगों के साथ एक बर्थडे ब्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। हाँ जी, तो आज मेरे बेटे का बर्थडे है, अहान का। तो वही शाम को छोटी सी एक पार्टी रखी है मैंने। तो अभी मैं आपको एक डेकोरेशन दिखाती हूँ कि जो हमने रात को एक थोड़ा बहुत डेकोरेट किया है। सो आप लोग को दिखाती हूँ मैं। तो ये मैंने ये बैक एरिया है जहाँ पे आगे टेबल होगी, उसके पीछे का ये हिस्सा है। तो मैंने ये थोड़ा बहुत डेकोरेट किया है। अभी थोड़ा सा काम और बाकी है, तो वो हम अभी दोपहर के टाइम में करेंगे। तो अभी आप लोग ऐसे देख लीजिए, मैंने ये बलून्स लगाए हैं। सो आज मुझे मार्केट भी जाना है और बहुत सारे काम हैं। मार्केट जाके केक लेके आना है, आहान के कपड़े भी लाने हैं क्योंकि जो हम कपड़े लेके आए थे वो उसको बहुत बड़े बैठे, तो अभी जाके हमको वो कपड़े लेके आने हैं। तो चलिए फिर आज पूरा दिन देखते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड्स, मैं अभी रेडी हो गई हूँ, मुझे मार्केट जाना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें मार्केट जाना है, कपड़े लेके आना है, आन के केक लेके आना है। सो अभी हम लोग जा रहे हैं, तो चलिए फिर। तो फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं ट्रेंड्स, तो वहाँ से हम आहान के कपड़े लेंगे। सो मेरे को जाना पड़ रहा है क्योंकि ये सुबह 7 बजे ही चले गए थे और ये आएंगे शाम को 4 या 5 बजे, तो इसलिए मुझे ये सारे काम करने पड़ रहे हैं। वरना मैं नहीं जाती और ना आहान जाता, पर हमने फिर भी अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी हमने सारे काम किए थे। सो अभी हम आ चुके हैं ट्रेंड्स और मैंने कपड़े ले लिए थे। तो फ्रेंड्स, ट्रेंड्स के कपड़े काफ़ी अच्छे होते हैं, क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है कपड़ों की। सो हम लोग यहीं से शॉपिंग करते हैं। एंड अब मैं जा रही हूँ घर। घर जाके बहुत सारा काम है क्योंकि शाम को पार्टी है। सो बहुत सारी तैयारियाँ करनी हैं, कुछ मैंने गेस्ट बुलाए हुए हैं। सो ये है बर्थडे डेकोरेशन और मैंने ये थोड़ी बहुत डेकोरेशन की है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आ रही होगी। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। और डेकोरेशन की जो क्लिप है, रात को जो भी हमने डेकोरेट किया था, उसकी क्लिप मैं ऐड कर दूंगी, सो आप लोग देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने 2 बलून्स को अटैच करके और 4 बलून्स को मैंने क्रॉस में उसको फोल्ड करती गई, 2-3 बार उसको फोल्ड कर दिया और ये बिल्कुल इस तरीके से हो जाते हैं। सो अब मैं एक वाइट कलर का बलून ले रही हूँ, उसे मैं एक मैंने रील ली है, धागा लेके उसको मैं उसको टाइटली मैं तो यहाँ मैंने धागे से टाइटली इसको बांध दिया है। सो और अब मैं इसे उन 4 बलून्स के ऊपर मैं इसको बीचों बीच इसको अच्छे से इसको दोनों साइड से बांध दूंगी। आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से, तो एक पूरा बंच तैयार हो जाता है। और ये मैं टेप लगाकर इसको मैंने चिपका दिया है दीवार पे। सो इस तरीके से मैंने जो भी मैंने बंच बनाए थे वो मैं सारे यहाँ पे चिपका दूँगी। और ये है पेपर रिबन। सो मैं इनको मैं बलून्स के नीचे मैं इनको लगा रही हूँ, तो जितने मैं बलून्स लगाऊँगी उनके नीचे मैं वहीं तक इन रिबन्स को लगाऊँगी। तो फ्रेंड्स, अभी हम रेडी हो चुके हैं, शाम के बज रहे हैं 6। तो ये मेरा बेटा जिसका बर्थडे है, हाय करो, हाय। तो फ्रेंड्स, मैंने ये रेड कलर की साड़ी पहनी हुई है, आप लोग देख सकते हैं इस तरीके की। इसी साड़ी के साथ मैंने इंस्पायर्ड लुक किया था स्वाति भामरा का, तो वो आपने वीडियो देखी होगी। तो आज मैंने यही साड़ी पहनी है पूरी, आप लोग देख सकते हैं इस तरीके की साड़ी है ये। और अभी बस केक के लिए हम जा रहे हैं कि केक कटवाना है। Thank you.
करो 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 डांस कर जाओ जाओ डांस करके पार्टी ख़त्म हो चुकी है और आज का पूरा दिन बहुत ही अच्छा गया मेरा और बिल्कुल भी मतलब ज़्यादा थकावट नहीं हुई, लगा कि पता नहीं कैसे होगा, मैं अकेले कैसे कर पाऊँगी, बट सब कुछ अच्छे से हो गया और आज की पार्टी भी बहुत अच्छी रही हमारी। आहान भी बहुत खुश रहा इस पार्टी से, उसके लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि छोटे छोटे बच्चे आए थे तो उनके साथ बड़ा मज़ा किया उसने, तो ओवरऑल सब कुछ अच्छा था, आहान खुश हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब। सो मैं ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।